सीएम पद की शपथ लेने का आमंत्रण मिलने के बाद हेमंत सोरेन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। हमारे साथ हेमंत सोरेन जी मौजूद हैं, मनीष जानते हैं। हेमंत जी, काफी संख्या में लोग बधाई देने के लिए आपको आ रहे हैं। हाँ, आज चूंकि बहुत खुशी का भी दिन है, क्रिसमस का भी दिन है, बधाई ली जा रही है, दी जा रही है। और निश्चित रूप से सिर्फ यही नहीं, पूरे राज्य में ये उत्साह है। जनता की काफी अपेक्षाएं बढ़ गई आपसे। स्वाभाविक है, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। और हमारी पूरी प्रयास होगी कि लोगों के आकांक्षाओं पर हम लोग खरा उतरें। और मैंने तो पहले भी कहा है, अब हमारे लिए उत्साह नई संकल्प लेने का समय है, इस राज्य को बेहतर दिशा देने के। आमंत्रण मिल चुका है, अब वो पल बहुत नजदीक है। समय 1 बजे नहीं, 2 बजे ही सही है। हाँ, जो समय निर्धारित है उस पे हम लोग अपने कार्यक्रम करेंगे और इसके गवाह आप लोग भी बनेंगे। कितने मंत्री रहेंगे? बता दिया जाएगा आपको समय आने दीजिए। विधानसभा में प्रवेश करने जा रहे हैं अब? नए विधानसभा में तो हमने पहले भी कहा था कुछ इस तरीके से संकेत। चलिए, अब नया विधानसभा कैसा है उसको भी देखेंगे। वो तो हमने पहले ही कहा था, लेकिन अब चूंकि ये बात मानने को ये लोग तैयार नहीं होते, कुछ लोग तो अलग विषय है, लेकिन कोई हमारे मन में गिला शिकवा नहीं है। और हम देखेंगे, चीज़ें पूर्ण हुई है तब चीज़ों को हम लोग वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तब तक देखा जाएगा। महिलाओं को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, महिला सुरक्षा जो है अभी झारखंड में अहम सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें महिला सुरक्षा पर जो सरकार की भूमिका होगी, जो प्रशासन की भूमिका होगी, वो भूमिका में तो कोई चूक होने नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस राज्य के आम नागरिक से भी हम आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से महिलाएं असुरक्षित, महिलाओं के अंदर एक डर भय का माहौल बन रहा है, आप सब लोग के बगैर सहयोग का कोई भी काम नहीं हो सकता राज्य के अंदर। इसलिए राज्य की जनता नहीं नहीं वो हम लोग बताएंगे आपको, बताएंगे थे हमारे साथ हेमंत सोरेन जो बता रहे थे कि सभी को साथ में रखकर सरकार काम करेगी, सभी वर्गों का ध्यान देगी, साथ में किसी द्वेष की भावना से ये राज्य सरकार काम नहीं करेगी। अपने सहयोगी अरुण के साथ मैं मनीष मिश्र, एबी न्यूज रांची।